हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग फिनोमिना। तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग फिनोमिना में मैं बेसिकली है क्या कि एक पार्टिकल है जिसके पास एनर्जी ई है और एक जो बैरियर है वो पोटेंशियल वी रखता है, और किसी समय पर जो पार्टिकल के पास एनर्जी ई है वो बैरियर हाइट के मुकाबले कम है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कंसेप्ट ये कहता है कि अगर पार्टिकल के पास एनर्जी कम है और बैरियर की हाइट अगर ज़्यादा है तो कभी भी पार्टिकल उस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स जिसे रे ऑफ होप कहा जाता है उसमें क्या है कि अगर पार्टिकल के पास किसी समय पर एनर्जी कम है और बैरियर की हाइट ज़्यादा है तो अगर वो बार 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 उस पोटेंशियल बैरियर से टकराता है तो एक फाइनाइट समय के बाद वो उस किसी समय पर उस बैरियर को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। इन द केस ऑफ एल्फा पार्टिकल, जिस समय पर किसी समय न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस अपने साइज को रिड्यूस करने के लिए न्यूक्लियस में एल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, और जो अल्फा पार्टिकल का जिस समय पर फॉर्मेशन होता है उस समय पे जो उसके पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जो किसी समय बैरियर हाइट होती है चारों तरफ जहाँ से उसे पार्टिकल को पार करना है वो बैरियर हाइट होती है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो बेसिकली जो एनर्जी है वो शॉर्ट पड़ जाती है, पार्टिकल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी बैरियर की हाइट है। तो क्लासिकली किसी समय पर अल्फा पार्टिकल का डिके नहीं समझाया जा सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जब पार्टिकल बार बार किसी समय पे पोटेंशियल वॉल से टकराता है, पोटेंशियल बैरियर से टकराता है, तो एक उसकी फाइनाइट और एक लिटिल प्रोबेबिलिटी बन जाती है पेनिट्रेशन की। इस फिनोमिना को जो कहा जाता है वो क्वांटम टनलिंग फिनोमिना कहा जाता है। तो वही मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ वीडियो में। तो हम किसी समय पे देखें कि जो हमारे पास है जो कंसेप्ट है इसका वो है देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग द बैरियर इवन पार्टिकल हैव लेस एनर्जी देन बैरियर हाइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये कंसेप्ट है कि पार्टिकल के एनर्जी कम रखने से और बैरियर हाइट के ज़्यादा होने से भी एक फाइनाइट और स्मॉल प्रोबेबिलिटी पेनिट्रेशन की फिर भी बनती है अगर वो बार बार पोटेंशियल बैरियर से जाकर कॉलिजन करता है। उसके अलावा क्लासिकली ये फिनोमेना नहीं समझाया जा सकता, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इन केस ऑफ एल्फा पार्टिकल 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइट बैरियर इज पेनिट्रेटेड बाई एल्फा पार्टिकल हैविंग एनर्जी बिटवीन 4 to 9 MeV। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी समय पे पार्टिकल की एनर्जी है, 25 MeV का बैरियर हाइट है, तो हम इसको किसी समय क्लासिकली नहीं समझा सकते। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है वॉल पे 10^38 seconds, 1 सेकंड में 10^38 टाइम्स और बार बार टकराता है तो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी बन जाती है। किसी समय पे जो लैम्डा होता है वो किसी समय पे लैम्डा होता है किसी समय म्यू इंटू टी, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये होती है म्यू कोलिजन फ्रीक्वेंसी और टी कहलाती है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। तो जो म्यू का ऑर्डर है वो हम निकालते हैं किसी समय पे वी अपॉन 2 r0 से, और वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10^7, और जो r0 का ऑर्डर होता है वो होता है 10^-14 का ऑर्डर, तो 10^21। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी समय पे जो अल्फा पार्टिकल है वो किसी समय पे 10^21 टाइम्स कॉलिजन करता है 1 सेकंड के अंदर, और अगर वो किसी समय पे 10^38 तक कॉलिजन कर दे तो एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी बन जाती है जिसके चलते वो पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। ये मैं समझा रहा था कि किसी समय पे अगर कोई पार्टिकल न्यूक्लियस जिसका साइज बड़ा है अगर वो अल्फा पार्टिकल 2He4 का डिके कर देता है तो उसका Z2 कम हो जाता है, A4 कम हो जाता है। तो ये बेसिकली कंसेप्चुअल कंसेप्ट था। उसके बाद हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स से देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम कैसे डिस्कस करते हैं इसे। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखें d²ψ/dx²+2m/h²² और ब्रैकेट में e-v ψ=0, जहां m मास ऑफ द पार्टिकल है, h/2π होता है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, e एनर्जी है किसी समय पर पार्टिकल की और v पोटेंशियल है। इसके अलावा हम देखें किसी समय पर जो हमारे पास में प्रॉब्लम है वो इस टाइप की है, पार्टिकल ये एनर्जी कंसेप्ट है इधर की तरफ, इधर एक्स है, पार्टिकल के पास एनर्जी ई कम है, जो बैरियर की हाइट है वो यू है और बैरियर हाइट ज़्यादा है, पार्टिकल के पास एनर्जी कम है। तो ये 3 केसेज होंगे। एक फर्स्ट रीजन जहाँ के अंदर हम देखेंगे किसी समय पे वी की वैल्यू 0 होगी, और एक थर्ड रीजन जहाँ पे वी 0 होगा, पार्टिकल यहाँ आके टकराएगा, यहाँ जिस समय पर वो टकराएगा तो उसके साथ जो वेव फंक्शन अटैच होगा वो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा इस टाइप का। उसके बाद जब ये पार्टिकल इसे यहाँ किसी समय पे इसे पेनिट्रेट करने का प्रयास करेगा तो उस समय पे जिस समय पे प्रयास करेगा उस समय पे वेव फंक्शंस किसी समय पे कम होता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली डिके,
आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियलिटी के सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जब इस रीजन में पहुंचेगा तो फिर से इसका ऑसिलेटरी सॉल्यूशन हो जाएगा, हार्मोनिक सॉल्यूशन, तो इसे मैं डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास रीजन नंबर फर्स्ट और थर्ड में वी जीरो होगा, वी जीरो कर दें, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, रीजन वन के लिए है फर्स्ट ए प्लस टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, साई फर्स्ट इजकल टू जीरो, और थर्ड रीजन में भी क्वेश्चन से ही रहेगी, डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, साई थर्ड इजकल टू जीरो, और किसी समय पर रीजन थर्ड में जो इक्वेशन होगी वो होगी डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई सेकंड इजकल टू जीरो। यहाँ पर जो वेव फंक्शन है इस रीजन के अंदर वो साई फर्स्ट को नोट कर रहा है, यहाँ वेव फंक्शन साई सेकंड को नोट कर रहा है, और यहाँ साई थर्ड को नोट कर रहा है, तो वेव फंक्शन तीनों रीजन में अलग अलग। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी समय पर यहाँ माइनस चिन्ह ले लेते हैं और इस वी को पहले ले आते हैं, ई को पीछे ले जाते हैं, तो ये रीअरेंज कर लेते हैं टर्मों को। उसके बाद हम देखते हैं किसी समय पर हम पुट कर लेते हैं के वन की वैल्यू को अंडर रूट टू एम ई अपॉन एच कट, और के टू को रख लेते हैं अंडर रूट टू एम वी माइनस ई अपॉन एच कट। के वन और के टू हम वेव वेक्टर कहलाते हैं, और हम देख रहे हैं किसी समय पर वी की जो वैल्यू किसी समय पर ई से ज़्यादा है तो उसके चलते के टू भी पॉजिटिव होगा और के वन भी पॉजिटिव होगा, और किसी समय पर के वन की वैल्यू होगी पी वन अपॉन एच कट, और के टू की जो वैल्यू होगी वो होगी पी टू अपॉन एच कट, जहाँ पर पी वन और पी टू मोमेंटम होंगे और एच कट जो है एच अपॉन टू पाई होगा। तो हम उसके बाद इन दोनों सब्स्टिट्यूशंस को पुट कर दें इन इस इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस और इस इक्वेशंस के अंदर, तो ये इक्वेशंस हमारी बन जाएंगी डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साई फर्स्ट इजकल टू जीरो, और डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साई थर्ड इजकल टू जीरो, एंड डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर साई थर्ड साई सेकंड इजकल टू जीरो। तो ये हमारे पास के वन और के टू के टर्म्स में वेव फंक्शंस का किसी समय पर इक्वेशंस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी समय पर कोई एक इक्वेशंस है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन लेंगे फर्स्ट रीजन के अंदर और सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में जो सॉल्यूशन होगा साई फर्स्ट वो होगा ए ई की पावर आई के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आई के वन एक्स, और ये के वन वेव वेक्टर है, और जो ई की पावर आई में सॉल्यूशंस होते हैं वो सदा ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा इंसिडेंट वेव का, जिस समय पर ये पार्टिकल आके यहाँ टकराएगा तो इसके साथ वेव अटैच होगी, वेव होगी उसको हम कहेंगे इंसिडेंट वेव। उसके बाद जैसे वो यहाँ पर कॉलिजन करेगा तो एक टकराने के बाद एक वेव वापस होगी, उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टिव वेव, तो ये रिफ्लेक्टिव वेव होगी किसी समय पर। उसके अलावा जो हमारे पास इंसिडेंट वेव की पाए जाने की प्रायिकता है इस रीजन में वो मॉड ए स्क्वायर होगी, रिफ्लेक्टिव वेव की जो प्रायिकता है किसी समय पर वो मॉड बी स्क्वायर होगी, और ये परमिट लेंथ में है दोनों प्रायिकताएँ। उसके अलावा जो थर्ड रीजन है जब ये वेव सेकेंड रीजन में चलेगी तो सेकंड रीजन में सॉल्यूशन आएगा सी ई की पावर माइनस के टू एक्स प्लस डी ई की पावर के टू एक्स, जिस समय ये किसी समय पे थर्ड रीजन में होगी तो सॉल्यूशन होगा एफ ई की पावर आई के वन एक्स प्लस जी की पावर माइनस आई के वन एक्स। लेकिन इसमें दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें डिस्कस कर दूं, किसी समय पे जिस समय पे सेकंड रीजन में होगा पार्टिकल तो यहाँ ऑसिलेटरी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आई में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन आई में होता है ई की पावर आई फॉर्म में तो वो सॉल्यूशन ऑसिलेटरी कहलाता है, हार्मोनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसे, और अगर किसी समय पर जो सॉल्यूशन है वो ई की पावर के टू एक्स और माइनस के टू एक्स फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ये जो हमारा सॉल्यूशन किसी समय पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो किसी समय पर डिकेइंग सॉल्यूशन को शो कर रहा होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन, क्योंकि के टू पॉजिटिव है तो हम देखेंगे एक्सपोनेंशियली जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो ये हमारे पास में डिकेइंग सॉल्यूशन होगा, इधर जो हमारे पास ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा, और फिर हम देखें फिर से यहाँ ये हमारे पास जो पोर्शन इसका किसी समय पे ट्रांसमिट हो जाएगा वो पोर्शन इस तरीका से आएगा, इस रीजन के अंदर जो फर्स्ट रीजन है इसके अंदर इंसिडेंट वेव इधर से आएगी, और जब यहाँ पे बाउंड्री पर टकराएगा तो रिफ्लेक्टिव वेव ऐसे आएगी, जो पोर्शन इंसिडेंट में से जो रिफ्लेक्टेड हो गया वापस आ गया, उसके अलावा जो पोर्शन बचा वो किसी समय पर इस तरीका से इस रीजन में सेकेंड रीजन में पहुंचेगा, सेकेंड रीजन में बैरियर होगा तो जिस समय पर बैरियर होगा तो पार्टिकल उस बैरियर के साथ कॉलिजन करेगा, कॉलिजन करेगा तो उस समय पे वो पार्टिकल कॉलिजन करते समय उसका जो वेव फंक्शन है वो डिकेइंग होता चला जाएगा, तो ये डिकेइंग सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जैसे ही वो थर्ड रीजन में पार कर जाएगा तो पार्टिकल पार करने के बाद में लगातार कंटिन्यू आगे मूव कर जाएगा, उसके बाद उसके साथ जो ये रीजन है उसके बाद जो यहाँ जो पोर्शन किसी समय पर जो पार्टिकल के साथ वेव अटैच थी जो अटैच हो गई उसके अलावा उसके बाद कोई टकराने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वेव उसके बाद कोई भी वेव वापस नहीं होगी, अगर वापस नहीं होगी तो ये वाला जो पोर्शन है वो जी वाला जो फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो जी वाला फैक्टर है वो इस रीजन के अंदर वापस बता रहा है वेव जो
किसी समय पे इधर जाने के बाद में इधर वापस होगी, जो कि कोई होगी नहीं, क्योंकि जो पोर्शन पास हो जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। इस कंसेप्ट को सदा ध्यान रखें। उसके बाद जैसे हम इन सॉल्यूशंस को रखते हैं, एक कंपटीशंस की दुनिया में सदा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेट में भी आ चुका है, गेट में भी आया है। क्वेश्चन ये आता है कि किसी समय पर अगर जो सॉल्यूशंस है वो किस तरीका से वेव करता है, तो अगर पार्टिकल के पास किसी समय यहाँ और इस रीजन में है तो किसी समय ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा, इस रीजन में टिकिंग सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशंस लगा दें, साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई सेकंड, और डेरिवेटिव को कंटिन्यूस कर दें, डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई सेकंड अपॉन डेल एक्स, एक्स बराबर जीरो पे, और साई सेकंड को साई थर्ड के इक्वल कर दें, डेल साई अपॉन डेल एक्स को डेल साई थ्री अपॉन डेल एक्स, एक्स बराबर एल पे। ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, पहले से ये बनेगी ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इससे इस वाली से इक्वेशन से बनेगी आई के वन ए माइनस आई के वन बी बराबर माइनस के टू सी प्लस के टू डी, इससे इस साई सेकंड बराबर साई थर्ड एक्स बराबर एल से बनेगी सी की पावर माइनस के टू एल प्लस डी की पावर के टू एल इजकल टू एफ ई की पावर आई के वन एल। उसके बाद इस वाली इक्वेशन से ये बनेगा डेल साई वन अपॉन डेल एक्स को कर दें डेल साई थ्री अपॉन डेल एक्स, एक्स बराबर एल पे, और साई वन साई टू साई थ्री की वैल्यू यहाँ से हमें पुट करनी है। उसके बाद ये बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करके ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे इसे ए अपॉन एफ के लिए, तो ए अपॉन एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन बाई टू प्लस आई के टू अपॉन फोर के वन, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ई की पावर ब्रैकेट में आई के वन प्लस के टू इंटू एल, जहाँ के टू एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। उसके बाद ए अपॉन एफ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, वो हाफ माइनस आई के टू अपॉन फोर के वन ई की पावर माइनस आई के वन प्लस के टू इंटू एल होगा। उसके बाद ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है कि जो पार्टिकल जो यहाँ से इंसिडेंट वेव आई उसकी प्रायिकता किसी समय पे, और जो यहाँ पे पोर्शन यहाँ इधर की तरफ इस थर्ड रीजन में पहुँचा है उसके कोफिशेंट के जो वेव फंक्शन के साथ कोफिशेंट अटैच है उसका मोड स्क्वायर ले लेते हैं। तो किसी समय पे जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो होगी एफ एफ स्टार अपॉन ए स्टार, ये किसी समय पे प्रायिकता है थर्ड रीजन में पहुँचने की, और इंसिडेंट पोर्शन की प्रायिकता है इंसिडेंट वेव की। इसमें जो हमारे पास होता है उसको हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बेसिकली वेव फंक्शन के मोड स्क्वायर इंटू वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, लेकिन जो थर्ड रीजन है इस रीजन में और इस रीजन में वेलोसिटी सेम होगी, तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वेलोसिटी क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम होगी तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ए स्टार अपॉन एफ एफ स्टार माइनस वन, इस टर्म को इधर ले जाएं ऊपर और इसको नीचे ले जाएं माइनस वन कर दें। उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें सॉल्व कर दें, तो टी की वैल्यू आएगी 16 अपॉन 4 प्लस के टू अपॉन के वन स्क्वायर ई की पावर माइनस टू के टू एल, और के टू अपॉन के वन स्क्वायर की वैल्यू यहां से सॉल्व कर लें 2 एम वी माइनस ई अपॉन एस कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ई अपॉन एस कट स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होंगे, ये आएगा वी अपॉन ई माइनस वन, इसे इसमें पुट कर दें। लेकिन ध्यान दें कि जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो किसी समय पर ई की पावर माइनस टू के टू एल होगी, क्योंकि इस टर्म के मुकाबले ये टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इवन बैरियर की जो हाइट थी वो ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इस रीजन्स में एक पर्टिकुलर फाइनाइट प्रायिकता है किसी समय पे, क्योंकि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ये वैल्यू बहुत कम आती है, और उसका रीजन्स ये होता है किसी समय पे जब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं के टू और एल की वैल्यू, तो हम देखते हैं जो ई की पावर में टर्म्स आती है के टू एल ई की पावर माइनस टू के टू एल, और के टू एल की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत कम मिलती है। तो लेकिन हम उसको जीरो नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इवन दो एक फाइनाइट और लिटिल प्रोबेबिलिटी रख रहा है, जबकि उसकी बैरियर हाइट जो थी वो ज़्यादा थी, पार्टिकल के पास एनर्जी कम थी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि किसी समय पर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को जीरो कैसे किया जा सकता है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को जीरो करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट ये है कि अगर हम इस के टू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास में दो तरीका के चांसेज हैं जब हम टी को जीरो कर सकते हैं। एक चांस है जब हम वी की वैल्यू को इन्फिनिटी करें बैरियर की हाइट को, लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसा बैरियर नहीं बना जहां वी की वैल्यू को, क्योंकि जैसे हम वी को इन्फिनिटी करेंगे तो के टू इन्फिनिटी होगा, जब यहां इन्फिनिटी रख देंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा। तो हम के टू की वैल्यू को किसी समय पर, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वी इन्फिनिटी नहीं होगा तो के टू इन्फिनिटी नहीं होगा। दूसरा, कोई दुनिया का बैरियर एल ऐसा नहीं बन सकता, एल लेंथ है ये बैरियर की, तो किसी समय पर ऐसा कोई बैरियर नहीं बना जिसकी लेंथ को इन्फिनिटी किया जा सकता हो। तो इट मीन्स देर इज ए फाइनाइट एंड लिटिल प्रोबेबिलिटी, और हम किसी भी तरीका से इस टी को जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ
कि क्वांटम मैकेनिकली चाहे बैरियर हाइट कितनी भी क्यों ना हो, और लेकिन किसी भी समय कुछ ना कुछ पोर्शन उसका यहाँ से इधर इस थर्ड रीजन के अंदर पहुँचेगा, इसी को हम क्वांटम टनलिंग फिनोमेना कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ आया होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखें, और बहुत कंसेप्चुअल वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि इसे आपको पसंद करेंगे इस वीडियो को, और दूर दूर के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स और जो बच्चे इंटीरियर में रहते हैं जिन्हें गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, ये सारे वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड हैं, तो इन वीडियो को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।